नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने है ट्रैवलर T13050 बस। ये एक 9 सीटर बस है और इस गाड़ी का आज हम आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। फोर्स मोटर्स के पास बहुत बड़ी रेंज है ट्रैवलर बसेस की और ख़ासकर आपको इनमें 9 सीटर से लेकर 26 सीटर तक बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। गाड़ी का जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा शानदार बनाया गया है और ये जो वेरिएंट आप देख सकते हैं 9 सीटर वेरिएंट है एयर कंडीशन। और इस गाड़ी की सबसे बढ़िया खास बात है कि इसमें आपको फ्लैट रूफ मिलता है। कुछ मॉडल्स में आपको अपर साइड में एसी कंडेंसर यूनिट मिलता है पीछे के साइड में, आपको इसमें फ्लैट रूफ मिलता है जिसकी वजह से गाड़ी का जो लुक है बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है। सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो फ्रंट लुक आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसमें आपको मिलते हैं ड्यूअल चेंबर हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स, यहाँ पर LED इंडिकेटर दिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत फोर्स की शानदार ग्रिल दी गई है, लोगो मिल जाता है आपको फोर्स का। नीचे के साइड में फ्रंट बम्पर पर फॉग लैम्प दिए गए हैं, यहाँ पर टोइंग हुक दिया गया है। साथ ही साथ ग्रिल की बात कर ले तो इसमें आपको हनीकॉम पैटर्न में ग्रिल मिल जाती है। ये है इस गाड़ी का ड्राइवर साइड लुक जो इस प्रकार दिखता है। इस बस में आपको दिया गया है फोर्स कंपनी का FM 2.6 CR इंजन जो एक 2596 cc का एक इंजन है। ये इंजन 150 HP यानी कि 115 HP की पावर जनरेट करता है 350 Nm टॉर्क के साथ। इसके टायर्स की बात कर ले तो इसमें आपको दिए गए हैं LT215/75R15 सेक्शन के टायर्स, यानी कि इसमें आपको 15 इंच के टायर दिए गए हैं। फ्रंट एक्सल पर आपको दिया गया है लिफ्ट इन सस्पेंशन जिसकी वजह से जो गाड़ी का बैलेंसिंग है काफ़ी अच्छे से होता है। और साइड में आप देख सकते हैं इसमें आपको सील्ड ग्लास मिलते हैं, ये टफन ग्लास है ब्लैक बॉर्डर फिनिशिंग के साथ। ट्रैवलर की शानदार ग्राफिक्स मिल जाती है। यहाँ पर आपको ट्विन एडजस्टेड मिरर मिलते हैं जिनमें से ये रियर मिरर जो है ये वाइड एंगल मिरर है, आप देख सकते हैं काफ़ी दूर का इससे दिखता है और दोनों के दोनों एडजस्टेबल है। यहाँ पर है इसका फ्यूल टैंक लोकेशन, इसमें आपको 70 लीटर्स की फ्यूल टैंक मिल जाती है। रियर एक्सल पर भी आपको मिलता है लिप्स इन सस्पेंशन, मड फ्लैप्स दिए गए हैं नीचे और ये है इसका शानदार रियर लुक। रियर लुक की बात कर ले तो यहाँ पर आपको मिलते हैं हैलोजन बेस्ड टेल लैंप्स, यहाँ पर ब्रेक लैंप है, यहाँ पर इंडिकेटर लैंप है, रिवर्स लैंप है और यहाँ पर ऑक्सिलरी ब्रेक लैंप के लिए स्पेसिंग दी गई है। यहाँ पर फोर्स का लोगो है, ट्रैवलर सुपर की बैजिंग, BS6 की बैजिंग यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट भी आपको रियर साइड में मिल जाता है। रियर सेफ्टी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। साथ ही साथ नीचे है स्पेयर व्हील लोकेशन, ये इसका को ड्राइवर साइड लुक देख सकते हैं। यहाँ से पैसेंजर्स को एक्सेस करने के लिए स्टेप दी गई है और ओवरऑल जो लुक है गाड़ी का इस प्रकार आता है। इस बस में फ्रंट एक्सल पर डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं और रियर एक्सल पर ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं और इसमें ABS और ABD स्टैंडर्ड मिलता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसके शानदार इंटीरियर लुक को। यहाँ से डोर खुलता है, डोर्स की बात करें तो डोर्स की जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी यहाँ पर अपडेट हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर में यहाँ पर काफ़ी शानदार अपोलिस्ट्री दी गई है, यहाँ पर टेक्सचर पैटर्न में आपको क्लॉथ मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पावर विंडो मिलते हैं। जी हाँ, फोर्स ट्रैवलर में इस मॉडल में पावर विंडो आता है, मतलब बिल्कुल कार जैसी इस गाड़ी को बनाया गया है। मेजरली इस गाड़ी का जो यूज़ है प्राइवेट पर्पस व्हीकल के लिए करते हैं। ये है इसका शानदार इंटीरियर लुक। इस बस में आपको 2x1 सीटिंग लेआउट मिलता है। बस की टोटल सीटिंग कैपेसिटी 9 सीटर की है और ये देख सकते हैं सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल मिलते हैं आपको और ये फुल्ली पुशबैक सीट्स है दोस्तों। रियर साइड में आपको बूट स्पेस मिल जाती है, काफ़ी अच्छी खासी बूट स्पेस है यहाँ पर। अगर आपको स्पेयर व्हील एक्सेस करना होगा तो इस पोर्ट से आप स्पेयर व्हील को भी एक्सेस कर पाते हो। साथ ही साथ यहाँ पर एक जैक दिया गया है। रियर साइड में भी आपको 4 AC के वेंट्स मिलते हैं और फ्रंट साइड में भी आपको 4 AC वेंट मिलते हैं, मतलब कुल मिलाकर इसमें आपको 8 AC वेंट मिल जाते हैं। रीसर्कुलेशन पर्पस के लिए यहाँ पर ग्रिल दी गई है और अपर साइड में आप देख सकते हैं LED लाइटिंग यहाँ पर दी गई है। सीट्स की बात कर ले और इसमें आप देख सकते हैं ये फोल्डिंग आर्मरेस्ट मिलता है, मतलब स्पेसिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से होती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुशबैक का बटन है,
और इसके जो पुराने मॉडल्स थे इसमें आपको स्लाइडिंग सीट्स मिलते थे, मतलब ये ऐसे ऐसे भी होते थे। यहाँ पर आपको सिर्फ पुशबैक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं हैंड ब्रेक। कैबिन सेक्शन की बात कर ले तो ये है इसका शानदार डैशबोर्ड एरिया। इसमें आपको फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, यहाँ पर फोर्स का लोगो है। ये है फोर्स कंपनी का नेक्स्ट जनरेशन स्पीडोमीटर, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कहते हैं। यहाँ पर आरपीएम मीटर है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है और यहाँ पर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यानी कि MID भी दिया गया है। MID में आपको फ्यूल लेवल, एडब्ल्यू लेवल, ऑयल टेम्परेचर, साथ ही साथ ओडोमीटर दिख जाता है और आपको इसमें क्लॉक भी दी गई है। स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं और स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में आपको हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल दिए गए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक एसी वेंट है और यहाँ पर एक एसी वेंट मिल जाता है। इस बस में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। डैशबोर्ड कंट्रोल्स की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसे हम सिगरेट लाइटर पोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पर है इमरजेंसी बटन, यहाँ पर रीजनरेशन का बटन है, यहाँ पर फॉग लैंप का कंट्रोल है, यहाँ पर इंटीरियर लाइटिंग का कंट्रोल है। ये जो बटन है ये नाइट लाइट के लिए, मतलब जो ब्लू लाइट होता है उनके लिए है। और अगर आप इसे अप करते हो, ये देखिए, अगर हम इसे अप करते हैं तो ये वाइट लाइट यहाँ पर ऑन हो जाती है, काफ़ी ब्राइट लाइट है गाड़ी में। साथ ही साथ यहाँ पर एक ग्लोव बॉक्स भी मिलता है। यहाँ पर है टू वे एडजस्टर मिरर, यहाँ पर एक लाइट मिल जाता है LED लाइट, ये देखिए, अगर डोर खुलता है तो ये ऑन भी होता है। फ्रंट साइड में ड्राइवर की सहूलियत के लिए यहाँ पर सनवाइज़र मिलता है और यहाँ पर देख सकते हैं सेफ गार्ड मिलता है, मतलब अगर डोर खुलता भी है तो यहाँ से कोई गिरे ना। और देखते हैं इसके इंजन रूम एरिया को, ये देख सकते हैं यहाँ पर है FM 2.6 CR BS6 इंजन। यहाँ पर एडब्ल्यू टैंक का लोकेशन है। BS6 की बहुत सारी गाड़ियों में आपको एडब्ल्यू रिक्वायरमेंट होती है और इसमें भी आपको एडब्ल्यू डालना पड़ता है। यहाँ पर है पावर स्टीयरिंग फ्लूइड रिजर्वायर, यहाँ पर कूलेंट का टैंक है, यहाँ पर ब्रेक फ्लूइड का टैंक दिया गया है और विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड का जो टैंक है यहाँ पर दिया गया है, ये देख सकते हैं, यहाँ से आप इसका विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड डाल सकते हैं। और इस गाड़ी की सबसे बड़ी खास बात कि ट्रैवलर के कुछ मॉडल्स में आपको अपर साइड में कंडेंसर यूनिट मिलता है, पर इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है कंडेंसर कॉम्प्रेसर यूनिट जो है यहाँ पर फ्रंट साइड में दिया गया है, जैसे कार में जैसा होता है, बिल्कुल कार जैसा इसमें सिस्टम किया गया है। अगर आप यहाँ से देखोगे यहाँ पर कंडेंसर यूनिट लगा हुआ है इसका, जिसकी वजह से काफ़ी क्लीन लुक इस गाड़ी का आता है। अब इस गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी दिखाता हूँ आपको, इसमें 9 लोग कैसे सफ़र कर पाते हैं। तो ये देखिए, अभी इसमें सब जो पैसेंजर्स हैं वो अभी बोर्डिंग कर रहे हैं। और अंदर की तरफ देखिए, बाहर से जो लुक है इस प्रकार आता है जब इसमें फुल पैसेंजर होते हैं तब। और ये देख सकते हैं अंदर से जब पैसेंजर्स इसमें लोड होते हैं तब ऐसा दिखता है। नमस्कार मैडम, कैसा क्या अनुभव है आपका? अच्छा है, ओके ओके। मैडम आपका क्या अनुभव लगता है इस गाड़ी, क्या अच्छा लगा? सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, कुशन की जो फिटिंग है वो भी अच्छी है, ओके, और जो स्पेस दी है वॉकिंग के लिए वो भी अच्छी है, ओके, बढ़िया। आपको इस गाड़ी में कौन सी बात अच्छी लगी? मेन पॉइंट है चार्जिंग के लिए, ओके, चार्जिंग यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया है वो अच्छा है। आपको कौन सी अच्छी लगी भैया? सर एसी व्यूअर जो है ना, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फ्लो भी है, इधर अपना एवरेज भी है, साथ में ये होल्डर भी है और पुशबैक सीट की अच्छी बात है इसमें। और आपको कौन सी बात अच्छी लगी इसमें? गाड़ी बहुत स्पेशियस है, ओके। लेग रूम वगैरह कैसा है इसका? यहाँ पे पूरा फैल के बैठ सकते हैं सर, लेग रूम है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, और सर आपको कौन सी बात लगी इसमें? गाड़ी का हेडरूम भी अच्छा है, ओके, अभी मैं टायर पे बैठा हूँ, ओके, मतलब सस्पेंशन भी बहुत अच्छे है। हाँ जी, और जो बाहर का व्यू है वो भी अच्छा है, बहुत बढ़िया, बड़ा व्यू आता है, एकदम व्यू भी बड़ा है।
पैनोरमिक व्यू मिलता है सर। अच्छा, ग्लास की साइज भी काफी है। ग्लास की साइज बड़ी, इसलिए पूरा पैनोरमिक व्यू। और एसी का, एसी कूलिंग की साइज बहुत इफेक्टिव है, मतलब 5 मिनट में अंदर गाड़ी चल होगी। ओके सर। और सस्पेंशन कैसा है इसका? सस्पेंशन बहुत अच्छे सर, टायर के ऊपर बैठा हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। वाह, बहुत अच्छा गाड़ी। ये था अनुभव, अभी ये सब इसमें सफर कर रहे हैं। मैडम, आपको कैसा अनुभव रहा इसमें? बहुत अच्छा। कौन सी बात अच्छी लगी आपको इसमें? कंफर्टेबल है ट्रैवलिंग के लिए। बढ़िया, लॉन्ग डिस्टेंस में अच्छी रह सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब जानते हैं इस गाड़ी के ऑन रोड कीमत के बारे में। इस गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है ये 19,42,000 यानी कि 19,42,000 रुपीज़ है। ये इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत है 30th September 2022 की। अगर आप इस गाड़ी को नासिक में खरीदना चाहते हैं तो उज्ज्वल एजेंसी से आप संपर्क कर सकते हैं, उज्ज्वल फोर्स मोटर से संपर्क कर सकते हैं इस गाड़ी को परचेज करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप इस गाड़ी के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप अपनी नज़दीकी फोर्स मोटर्स की डीलरशिप को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी फोर्स ट्रैवलर 9 सीटर AC वेरियंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। यही पर रुकते हैं, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।